प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर चुके हैं और अब इसके बाद सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा होनी है। कोरोना संक्रमण के इस दौर में ये इस चर्चा को बेहद अहम माना जा रहा है। दरअसल इस पूरी चर्चा में सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा था वो वैक्सीन के वितरण और स्टोरेज को लेकर था। साथ ही साथ जितने भी मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपने राज्य के हालातों से प्रधानमंत्री को अवगत कराया है। आपको बताएं जो 8 राज्य के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री ने चर्चा की है ये वो 8 राज्य हैं जहां पर कोरोना का सबसे ज्यादा कहर देखने को मिला है। और जैसे ही ये बैठक खत्म हुई है उसके बाद अब तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उनकी बातचीत होनी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े हुए थे। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सामाजिक दूरी और मास्क बेहद जरूरी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा भी उठाया और कहा कि केंद्र हरियाणा में पराली जलाने पर रोक लगाने में मदद करे। केजरीवाल ने केंद्र सरकार से 1000 ICU बेड बढ़ाने की भी मांग रखी है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने वैक्सीन वितरण के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है जो पूरे राज्य के वैक्सीनेशन का काम देखेंगे। तो अब आपको 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां आज 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है प्रधानमंत्री ने। पहली तस्वीर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। तो ये वो राज्य हैं जहां कोरोना का सबसे ज़्यादा कहर है, जिसमें आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल, राजस्थान समेत तमाम राज्य हैं कोरोना की चपेट में। नेताजी की बात करें अगर तो कई ऐसे बड़े नाम हैं जो कोरोना की चपेट में आए। उदयलाल आंजना, सुखराम बिश्नोई, भजनलाल जाटव, विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा, सतीश पुनिया, राजेंद्र राठौर, ये तमाम नाम जो अब तक आ चुके हैं चपेट में, जिससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। चले तो जीते